नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, वी आर राइट हियर एट Xiaomi फैक्ट्री। जैसे आप यहां पे ऊपर की तरफ देख सकते हो, एंड गाइस आज हम देखने वाले हैं स्मार्टफोन कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। एंड यहां पे Redmi A2 जो एक बजट स्मार्टफोन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम देखने वाले हैं। देखेंगे कितने टेस्ट सरपास करता है एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन। तो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे SMT यूनिट में एंटर हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको हिस्ट्रीज ऑफ फोन्स यहाँ पे देखने मिलती है, जहाँ पे डिफरेंट ईयर्स में कौन से स्मार्टफोन्स जो मैन्युफैक्चर हुए थे उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। सो यस, आगे जाके देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने मिलती है यहाँ पे फैक्ट्री में। सो गाइस यहाँ पे SMT यूनिट में सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे PCBs आपको देखने मिलेंगे। एंड इसके ऊपर है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। यहाँ पे पर्सन है, एग्जामिन कर रहे हैं। यहाँ पे सारे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं। एंड यस, आगे से जो प्रोसेस है ना वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड आपको देखने मिलेगी। तो भाई जो हम लोग SMT की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली है सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे जो बोर्ड है उसे चेक किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे इचिंग वगैरह सारी प्रोसेस होके ये जो बोर्ड है उसे मॉनिटर किया जाता है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे गुड करके लिख के आ चुका है, मतलब जो इसका मदरबोर्ड है इट इज गुड टू गो। एंड फिर गाइज यहाँ पे आगे जाके ना एक एक करके सारे कंपोनेंट्स इसके ऊपर लगने वाले हैं। रेजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट ये कंपोनेंट्स है। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारे कंपोनेंट्स है ना उस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर माउंट हो जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे इंस्पेक्शन होने के बाद है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट शील्ड्स आपको देखने मिलते हैं। सो जो क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना उन्हें यहाँ पे कवर किया जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो शील्ड लगने के बाद यहाँ से जो सर्किट बोर्ड है वो पास हो जाता है फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। एंड यस यस, वापस यहाँ पे आपको AOI मशीन देखने मिलेगी, क्योंकि जो शील्ड्स उन्होंने प्लेस किए थे ना वो भी प्रॉपरली यहाँ पे माउंट हुए हैं नहीं हुए वो यहाँ पे चेक किए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। एंड जैसी एक एक शील्ड यहाँ पे रैक हो जाता है, यहाँ पे आपको देखने मिलता है मैनुअल इंस्पेक्शन, जहाँ पे मैनुअली चेक किया जाता है कि यार सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली माउंटेड है या नहीं। सो यस गाइस, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फाइनली बना है ना उसके अंदर जो बायस वाला सॉफ्टवेयर होता है ना उसे लोड किया जाता है, फिर जो RF कंपोनेंट्स है ना उसे भी टेस्ट किया जाता है। सो बेसिकली दिस इज गाइज RF टेस्टिंग यूनिट, जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह, एंटीनाज होते हैं, बैंड्स होते हैं डिफरेंट, उसकी टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। वैसे आगे जाके फाइनल टेस्टिंग भी होगी, उसे हम आगे जाके देखते हैं। एंड गाइज ये जो कंप्लीट सेक्शन आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाता है, RF टेस्टिंग किया जाता है, बाकी छोटे मोटे टेस्टिंग किए जाते हैं। एंड उसके लिए इतना बड़ा सेक्शन है, मतलब कैन यू इमेजिन कि यार मैन्युफैक्चरिंग कितने लेवल पे हो रहा है यहाँ पे। तो वैसे गाइज बाहर इंस्ट्रक्शन लगा था कि कैमराज आर प्रोहिबिटेड, बट आपके लिए हम लोग यहाँ पे कैमराज, फोन, सारी चीज़ें लेके आए। लेट्स गो। एंड गाइज इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाउसिंग होती है ना, केसिंग होती है स्मार्टफोन की, उसे इंस्पेक्ट किया जाता है। एंड यहाँ पे जो आपको एयर साउंड सुनने मिलता है ना, बेसिकली यहाँ पे जितना भी सारा मतलब है ना डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे रिमूव किए जाते हैं प्रेशर की हेल्प से, मतलब एयर प्रेशर डाल के, प्लाज्मा प्रेशर बोलते हैं इसे मेरे हिसाब से, शायद इज दिस प्लाज्मा प्रेशर, राइट? सो यस गाइस, इसे प्लाज्मा प्रोसेस बोलते हैं। एंड आगे है ना ग्लूइंग किया जाता है, तो बिफोर ग्लूइंग जितने भी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना उसे इस मशीन की हेल्प से निकाले जाते हैं। तो वैसे तो गाइज ये ग्लूइंग मशीन है, बट यहाँ पे ना काफ़ी हाई टेक चीज़ें अंदर यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी, जहाँ पे पहले ग्लू किया जाता है एंड फिर गाइज एक छोटा सा कैमरा होता है उसकी हेल्प से पूरे फोन को इंस्पेक्ट किया जाता है कि यार प्रॉपरली सारी चीज़ें अब तक असेंबल किए वो प्रॉपर है या नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डिस्प्ले के ऊपर है ना आपको सारी जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना वो यहाँ पे देखने मिलेगी। जैसे यहाँ पे कोई भी एक फ़ोन स्कैन हो रहा है, अभी देखो स्कैन हो रहा है, तो यहाँ पे सारी इमेज आ चुकी है। एंड यस, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके ये लोग क्वालिटी कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड यस गाइज, यहाँ पे सेकंड जो पार्ट आता है ना वो डिस्प्ले वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना उसे चेक किया जाता है, फिर उसको माउंट किया जाता है। एंड गाइज इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर है ना यहाँ पे जो स्पीकर वाला पार्ट होता है ना उसे माउंट किया जाता है। एंड फिर यहाँ पे जो वाइब्रेटर होता है ना तो उसे भी यहाँ पे माउंट किया जाता है। एंड आगे जाके यहाँ पे आप देख सकते हो एनक्लोज रूम आपको देखने मिलेगी, जहाँ पे कैमरा जो होता है ना उसे माउंट किया जाता है। एंड इसे एनक्लोज क्यों रखा है, क्योंकि गए जब भी कैमरा प्लेस होता है ना तो कोई डस्ट पार्टिकल अंदर एंटर ना हो उसके लिए ये प्रिकॉशन लिया जाता है। एंड उसे प्लेस करने के बाद ही फिर आगे जाके बाकी के कंपोनेंट्स ऐड होते हैं।
एंड फिर गाइस जो कैमरा के ऊपर के लेंस है ना उसे भी यहाँ पे माउंट किया जाता है एंड ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है गाइस, एक एक करके सारी चीजें यहाँ पे असेंबल होती है, चेक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो फोन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे बैटरी वगैरह सारी चीजें चेक की जाती है, पास करके यहाँ पे लिख के आ चुका है एंड फिर फर्दर इंस्पेक्शन यहाँ पे चालू ही रहता है कंटिन्यूस फोन का। एंड यस गाइस उसके बाद जितने भी सारे बाकी कंपोनेंट्स होते हैं ना छोटे मोटे कंपोनेंट्स उन्हें यहाँ पे माउंट किया जाता है एंड फाइनली गाइस यहाँ पे जो फोन का बैक होता है ना उसे भी यहाँ पे माउंट किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्सन है जो इंस्पेक्ट कर रहा है इसे प्रॉपरली एंड फिर इसे प्रॉपरली केयरफुली यहाँ पे माउंट कर रहा है एंड फिर गाइस आगे है ना सिस्टम में इसे कनेक्ट किया जाता है जहाँ पे सारे RF सिग्नल्स मतलब वाईफाई GPS वो सारे सिग्नल्स जो होते हैं ना उसे चेक किए जाते हैं, जितने भी सारे आपके 4G 5G बैंड्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती है इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर। एंड गाइस बैटरीज वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद है ना यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर रैक के अंदर है ना आपका टन्स एंड टन्स ऑफ स्मार्टफोन्स देखने मिलते हैं क्योंकि गाइस यहाँ पे ये कनेक्टेड है एंड ये चार्ज होते हैं। चार्ज क्यों होते हैं क्योंकि आगे वाली जो टेस्टिंग है ना उसके लिए चार्जिंग नेसेसरी है तो भाई इसे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रैक में रख के इसे फुल्ली चार्ज किया जाता है। सो गाइस ये पर्टिकुलर जो रूम है ना ये एजिंग रूम है एंड यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाता है, स्पीकर वाले पार्ट को टेस्ट किया जाता है एंड यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा शोर है उसके लिए मैं अंदर शूट नहीं कर पा रहा था बट यस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फोन्स आपको देखने मिलते हैं जो साइमल्टेनियसली यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। सो गाइस बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है एंड अंदर सारे फोन्स के स्पीकर टर्न ऑन थे तो भाई बहुत ज्यादा शोर था अंदर। एंड गाइस एजिंग के बाद है ना फिर भी सारे कंपोनेंट्स को वापस यहाँ पे टेस्ट किया जाता है क्योंकि एजिंग प्रोसेस में क्या होता है ना कि कोई कंपोनेंट जैसे स्पीकर वाला पार्ट हो गया ना वो खराब हो जाता है तो वापस यहाँ पे उसे रीचेक किया जाता है, अगर कोई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ी तो उसे साइड में निकाला जाता है। एंड यस यही सारी टेस्टिंग चल रही है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की वंस अगेन। तो यस गाइस सारी टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरास को भी टेस्ट किया जाता है, इमेजेस कैप्चर किए जाते हैं, फ्लैश को टर्न ऑन किया जाता है एंड ये सारी टेस्टिंग होने के बाद जब इंश्योर होता है कि डिवाइस इज गुड टू गो डायरेक्टली अभी हम जाते हैं पैकिंग वाले सेक्शन में। सो यस गाइस फाइनली यहाँ पे जो पैकेजिंग वाला पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्लीव्स होती है या फिर उसके ऊपर का जो IMEI स्टिकर होता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, चार्जर्स होते हैं, चार्जिंग केबल होती है, जितने भी सारे कंपोनेंट्स है, यूजर मैनुअल है, पेपर वर्क है, सारी चीज़ें यहाँ पे पैक की जाती है। बॉक्स को भी यहाँ पे इंस्पेक्ट किया जाता है मतलब बॉक्स बराबर है नहीं है एंड फिर गाइस बॉक्स एक स्कैनिंग मशीन के अंदर जाता है जहाँ पे आप देख सकते हो उसका IMEI नंबर प्रॉपर है या नहीं है, बॉक्स की सारी चीज़ें कंपोनेंट्स प्रॉपर है या नहीं है वो चेक की जाती है, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो भाई उसे साइड में निकाला जाता है। एंड यस यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली बॉक्सेस के अंदर इसे पैक किया जाता है जहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कौन से फ़ोन है, कौन से IMEI नंबर के, उसका भी लेबल यहाँ पे स्टिक किया जाता है। एंड यस गाइस द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी टू शिप एंड फिर गाइस ये सारे फोन्स को यहाँ पे शिप किया जाएगा। सो गाइस यही थी प्रोसेस, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एंड हर एक चीज़ को है ना कंटिन्यूस यहाँ पे इंस्पेक्ट किया जाता है कि फ़ोन प्रॉपर है नहीं है, कहाँ पे कोई कंपोनेंट ख़राब है नहीं है, लिटरली फाइनल प्रोसेस तक इंस्पेक्शन चलते रहता है। एंड यस दिस इज हाउ फोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड फिर आपको रिटेल शॉप्स पे या फिर ऑनलाइन स्टोर से जब आप ऑर्डर करते हो आपको फोन्स मिलते हैं इतने सारे इंस्पेक्शंस के बाद। सो यस गाइस यही था एक टूर Xiaomi फैक्ट्री का एंड यस एक बजट स्मार्टफोन के लिए भी इतने सारे टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं ये हमें पता ही नहीं था। सो प्रोसेस जो है बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है एंड टूर भी बहुत ही अच्छा हुआ एंड आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड यस गाइस अगर आपको Xiaomi के कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स का एक टैब भी देखने मिलेगा, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, सो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।